किचन में हूँ नेमत और आइए आज बनाते हैं चिकन अंगारा। इसका बनाना भी कितना आसान है। दही और टमाटर के साथ कुछ होममेड मसालों के साथ इसे मैरिनेट करें, धुआं दिखाएं और लीजिए अंगारा चिकन रेडी है। आप अगर इसे दूसरे दिन बनाना चाहते हैं तो इसे फ्रिज के रैक पर रख दें। मेरे स्टेप्स और मसालों को फॉलो करें। हमने यहाँ पर 1.5 kg चिकन लिया है जो कि धोकर और छानकर मैंने अच्छी तरह से 4 घंटा पहले इसे सुखा लिया था और अब इसे तैयार करना है। तो इसे हम पकाने के पहले मैरिनेट करेंगे। इसी तरह से गोश्त को धोकर छान लें और यहाँ पर चिकन के लिए अब हमें कुछ ड्राई रोस्ट मसाले तैयार करना है और कुछ पाउडर मसाले का इंतज़ाम करना है। चिकन में जाने वाले वो मसाले जिन्हें हमें ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाना है, उनमें 2 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया है, लाल मिर्च, लौंग, इलायची, दारचीनी और 2 पेटल स्टार अनीस के हैं, साथ में काली मिर्च और ज़ीरा भी है। परफेक्ट मेजरमेंट के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मसाला जले नहीं, इसके लिए इसे धीमी आंच पर सेक लें और मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। साथ ही 3 मीडियम साइज अनियन के बारीक स्लाइसेस करके इसे कैरामेलाइज कर लें और 1 चुटकी नमक डालकर हाथों से क्रश कर लें। पाउडर मसाले में यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च लिया है। ये तीखा नहीं होता, चीज़ों को कलर देता है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो थोड़ा सा खाने वाला ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जायके के हिसाब से नमक है जो कि 1 टीस्पून से कुछ ज़्यादा है और 1 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी लिया है जिसे दोनों हाथों से क्रश कर लेना। अब इस चिकन के ऊपर सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए दही डाल दें। टोमेटो प्यूरी जाएगा, साथ में जो हमने पाउडर मसाला जायके वाला तैयार किया है वो भी डाल दें। अगर घर में तैयार नहीं करें तो बाहर के मसाले से भी ये बन सकता है, लेकिन इस तरह से बनाया हुआ पाउडर मसाला ज़्यादा जायकेदार और खुशबूदार होता है। साथ में जो हमने प्याज को ब्राउन किया था वो भी डाल दें। अब सारे पाउडर मसाले जो हमने निकाले थे वो भी इसमें शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और देखिए ये कितना ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी है। आप इसे बनाकर 1-2 दिन पहले मैरिनेट करके फ्रिज के रैक पर रख दें और जिस दिन आपके यहाँ पार्टी है उस दिन इसे पका लें। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे बड़ी अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है और शायद मैं मेंशन करना भूल गई थी, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के लगभग दही और 100 ग्राम के लगभग टोमेटो प्यूरी इस्तेमाल किया है। अब चिकन में यहीं पर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा। एक कढ़ाही में 125 ml कुकिंग ऑयल को गर्म करें। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को कैरामेलाइज किया था। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालें। इधर चिकन हमारा 4 घंटे से मैरिनेट हो चुका है तो अब इसे तेल में डाल दें। हल्के हल्के उलट पलट कर दें और फ्लेम अभी तेज रखें ताकि चिकन अपने जूसेस रिलीज कर सके। जैसे ही सारे पानी रिलीज हो जाएंगे मैं इसे ढककर कम से कम 15-20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ 30 मिनट पकने के बाद गोश्त इतनी अच्छी तरह से गल चुका है और इसकी करी और तरी आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड से दिख रहा है। तो ये पार्टी या त्यौहार के लिए बहुत ही सूटेबल है। देखिए ये बिल्कुल हड्डियों से अलग हो रहा है और ये गोश्त आप देख सकते हैं।
अब इसे हम धुआं देंगे जिससे ये और भी मज़ेदार और सोंधा हो जाएगा। कढ़ाही के सेंटर में एक कटोरी रखें, इसमें जलता हुआ लकड़ी का कोयला रखें और ऊपर से घी बटर या कुकिंग ऑयल डालें, इससे धुआं बनेगा। अब इसे ढक दें, एक मिनट काफ़ी होता है। जब आप इस ढक्कन को हटाएंगे तो आपको बहुत ही एरोमेटिक और सोंधा सा गोश्त में एक फ्लेवर मिलेगा। यही गोश्त में धुआं दिखाना है। मैंने एक मिनट तक इसमें धुआं डाल दिया है। तो दोस्तों, इस त्यौहार आप भी इस अंगारा चिकन को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप देख ही सकते हैं कितना ये लाजवाब दिख रहा है, और आप बोटियों को देखें तो ये बिल्कुल अलग हो रहा है। देखिए, और इसकी करी को देखें, ये बिल्कुल नान और बकरखानी के साथ खाने वाला है। देखिए, तो उम्मीद है आज की ये डिश आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।